अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप सब लोग को वेलकम करते हैं। आज की वीडियो बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग प्लेस है, उसके हवाले से है। तो मैं उस प्लेस का थोड़ा सा व्यू आपके साथ शेयर करूँगा, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो अभी चलते हैं अपनी। तो बेसिकली ये प्लेस है दोस्तों, और बिल्कुल ही मेन रोड पे जो है ना, उन्होंने थोड़ी सी स्पेस के अंदर इसको बनाया हुआ, बिल्कुल पहाड़ों के अंदर। देखें मेन रोड गुजर रहा है, एक साइड पे भी देखें ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। साइडों पे बड़ा ही खूबसूरत ग्रीन वेदर है, हल्के हल्के बादल हैं और कुछ आसमान साफ है। ओवरऑल मौसम अच्छा है, ऑलमोस्ट 32 टेम्परेचर है और वेदर मज़े का है। हवा बिल्कुल हल्की हल्की चल रही है। ये है जी दोस्तों 24 आवर पार्किंग। 24 आवर ये पार्किंग जो है ओपन होती है, मेन रोड पे बनाई हुई है। ये ना सिर्फ एक पार्किंग है बल्कि उन्होंने एक रेस्ट के लिए एक फ़न एरिया, ख़ास तौर पे फैमिली के साथ जब आप लोग होते हैं तो इस जगह पे स्टे कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अपना खाने पीने वाली चीज़ें, वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। वेंडिंग मशीन्स में ये देखें आपको आइसक्रीम मिल जाती है, डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम लगी हुई है, ये आप इजीली इधर से परचेज़ करके खा सकते हैं। उसके बाद ये देखें ड्रिंक्स हैं हर किस्म की, नेक्स्ट मज़ीद ऑप्शंस हैं ड्रिंक के। और ये वाला ड्रिंक्स वगैरह पी के उन्होंने डस्टबिन रखी हुई है, तो इसके अंदर आपने जो भी इसके कैन वगैरह वो फेंक लें। ये साइकिल स्टैंड उन्होंने बनाया, इधर साइकिल को आप कर सकते हैं। एक किस्म की उन्होंने बार्बल बेस बनाई हुई है, इसके ऊपर उन्होंने इसकी प्राइस मेंशन की हुई है। इसके दो बेनिफिट्स उन्होंने लिखे हुए हैं कि मार्केटिंग का एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है। अभी ये उन्होंने पब्लिक के लिए बनाया हुआ है, पब्लिक इसको यूज़ करे। बार्बल बेसिकली इस चीज़ का नाम है बार्बल बेस। ये देखिए ड्रम की शेप का ये, पहले मैं साइडों से दिखाऊँ आपको। ये देखिए ये चीज़ बनी हुई है, बड़ी ही सिंपल सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है जी बार्बल बेस, तो इसका नाम है बेसिकली जी बार्बल बेस। अंदर से देखते हैं, देखिए अंदर से भी टोटली ये वुडन का बना हुआ है जी, वुडन का बना हुआ है। इसके अंदर ये इन्होंने लगाया हुआ है कि आप इधर, ये हो गया दरवाजा बंद, गपशप कर सकते हैं इधर, एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। ये अंदर बड़ी ज़बरदस्त सिटिंग बनी हुई है, इसके आराम से बंदा खड़ा हो जाता है इसके अंदर, हाइट भी इसकी अच्छी है। और इधर से पीछे व्यू देखें कितना मज़े का, टोटली ग्रीनरी है अंदर से जो बार व्यू देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली उन्होंने पब्लिक के लिए इंस्टॉल किया हुआ है, तो पब्लिक यूज़ कर सकती है। और उसके साथ साथ जो भी इसके मेकर हैं उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है, एड्रेस वगैरह और इसकी प्राइस कितनी है वो भी उन्होंने मेंशन की हुई है कि इतने तक का अगर आप अपने घर में, यार्ड में या कहीं पे भी ये इस तरह की सेटिंग करवाना चाहते हैं तो ये हो सकती है। नेक्स्ट ये देखें जी एक कंटेनर टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, उसको उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है लाइटिंग के साथ। रात को इसका ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू आएगा,
सेम उसकी तरह इसको भी उन्होंने देखें टोटली उसकी एडवर्टाइजमेंट की हुई है कि अगर आप इस तरह का बनवाना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट ये होगी ऑलमोस्ट, प्राइस वगैरह भी उन्होंने लिखी हुई है, नंबर वगैरह भी अपना लिखा हुआ है। चलें इसका भी आपको व्यू दिखाते हैं अंदर से, इसका भी सेम उस तरह से ये देखें बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने सेटिंग की हुई है इसकी। ये लैंप रखा हुआ है एक साइड पे, दो चेयर्स हैं, टेबल है, बड़ा ही पुरस्कून एनवायरनमेंट बनाया हुआ है अंदर उन्होंने सिंपल सा। और इसके अंदर भी उन्होंने बार्बल बेस बनाई हुई है, ये थोड़ी डिफरेंट है छोटी सी, ये देखें, ये देखें, ये सिंगल पर्सन के लिए ऑलमोस्ट। ये चीज ओके, जबरदस्त उन्होंने बनाई हुई है ये, नेक्स्ट भी उन्होंने ये बनाई हुई है बार्बल बेस टाइप ही है ये, लेकिन ये टेंट की बनी हुई है सेम उनकी तरह। इधर भी इन्होंने ये देखें टोटली इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन की हुई है, इसकी प्राइस वगैरह और अपना नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ है कि आप अगर ये ऑर्डर करना चाहते हैं सेम इस तरह का तो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ट्रायल के लिए पब्लिक के लिए यूज़ के लिए उन्होंने सैंपल के तौर पे रखा हुआ है, एक तो जगह बड़ी है उन्होंने 24 आवर के लिए रेस्ट की रेस्ट अपनी एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर देखते हैं जी, ये देखें जी चेयर पड़ी हुई है, इधर भी उन्होंने सेम उस तरह से ही बनाया हुआ है ये। ओपन है इधर से, ये टेंट वाली बार्बल बेस उन्होंने बनाई हुई है। और ये उससे थोड़ा छोटा साइज बच्चों के लिए, ये देखें जी साथ उन्होंने छोटा सा ये बच्चों के लिए पूल बनाया हुआ है, पानी तो नहीं है इसके अंदर। ये तो था जी बार्बल बेस, अभी एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ इसके अपोजिट साइड पे। पूरा उन्होंने एक पैकेज तैयार किया हुआ है, इधर भी ये सेम वेंडिंग मशीन्स हैं, इधर भी ये चीज़ें डिफरेंट चीज़ें उन्होंने इसके अंदर सेल के लिए लगाई हुई हैं। इसके अंदर ये आप जितने भी कॉइन लिखे हुए हैं वो इसके अंदर डालें और उसको परचेज कर दें। अब ये देखें जी सेम ये है कि अगर इधर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं किसी किस्म की भी, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी उन्होंने की हुई है। नेक्स्ट देखते हैं जी इसके अंदर इन्होंने क्या बनाया होगा, लें जी ये अपना आग लगाने के लिए ओपन एयर में जो लोग जाते हैं, क्योंकि ये एक पिकनिक पॉइंट इधर काफ़ी ज़्यादा है, लकड़ियाँ रखी हुई हैं गट्ठे बना के, 400 रियान उसकी प्राइस उन्होंने लगाई हुई है। 400 रियान आप कॉइन बॉक्स में डालें और ये ले जाएं, और अगर लोग रुकते हैं बर्फ़ चाहिए किसी को उसके लिए फ्रीज़र रखा हुआ है, कोई बंदा मौजूद नहीं है इधर, जिसका दिल करता है वो जितनी चीज़ ले और
अपना रख के चला जाए। पानी रखा हुआ है जी, इन्होंने पानी बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। देखें पानी आप इधर से लेके पी सकते हैं, उसकी इन्होंने कोई प्राइस मेंशन नहीं की हुई है। और उसके साथ साथ इन्होंने फ्री वाईफाई भी लगाया हुआ है, इधर आप फ्री वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ गर्म करनी है, ओवन रखा हुआ है, ओवन में आप गरम करके कोई भी आपका टिफ़िन वगैरह कोई चीज़ अगर करने वाली है गरम तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये चीज़ देखें जी, ये है गेस्ट नोट। जो लोग आते हैं इधर उनके लिए नोट रखे हुए हैं कि वो इधर अपना बायोडाटा नोट करके जाएं, कब विज़िट किया और कब आए, ये सारी चीज़ें इधर देखें जी। ये नोट्स पड़े हुए हैं, साथ उन्होंने पेन रखे हैं, आप इस पे अपना लिख सकते हैं कि कब विज़िट किया और कैसा लगा, जो भी है कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ये भी टोटली वुडन का अंदर से उन्होंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी, ये भी एक रूम टाइप बनाया हुआ है, ये देखें जी, ये तो प्रॉपर एक रूम उन्होंने बनाया हुआ है और उसको बड़ा खूबसूरती के साथ उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। इसकी विंडो से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ आउटसाइड का, देखें जी, इस साइड को भी डोर ओपन हो जाता है। इसका व्यू देखिए साइडों पे, बड़ा ही पुरसकून एनवायरनमेंट है। ये जी कमरा बनाया हुआ है उन्होंने टेस्ट करने के लिए, आप इधर लेट सकते हैं आराम के साथ, बैठना चाह रहे हैं टेबल भी लगा हुआ है नीचे अगर आप लेटना चाह रहे हैं। शूज़ पहने हुए हैं तो आप शूज़ उतार के ये चप्पल यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने यूज़ करने के लिए रखी हुई है। अपना सामान वगैरह रखने इधर रैक पड़े हुए हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने बिल्कुल सिंपल उसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो दोस्तों ये थी अभी 24 आवर पार्किंग, टोटली उन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट और लोगों के रेस्ट करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना खूबसूरत सी प्लेस बनाई हुई है, जिधर आप लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या ज़्यादा दूर से आते हैं तो उनके लिए रेस्ट करने के लिए इस तरह की उन्होंने जगह जगह प्लेसेस बनाई होती हैं और बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ये ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।